और ट्रिपल तलाक पर कानून बनने के बाद भी इसके मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला कोरबा जिले का है, जहां पर तीन तलाक का एक मामला सामने आया है। कोरबा के जिला न्यायालय में ही शोहर ने अपनी पत्नी को तलाक 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 यानी कि तीन तलाक दे दिया। सरकारी स्कूल में टीचर शोहर दहेज प्रताड़ना के मामले में आरोपी रह चुका है। हालांकि इस मामले में निराकरण किया जा चुका है। इसी मामले में नकल निकलवाने गई पत्नी को शोहर ने तीन तलाक दे दिया। पत्नी आपको बता दें, पत्नी ने शोहर के खिलाफ कोरबा के कोतवाली थाना क्षेत्र में रामपुर चौकी में शिकायत दर्ज कराई है। बता दें, शिकायतकर्ता पत्नी ने लगभग 10 साल पहले अपने शोहर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था। महिला द्वारा की गई शिकायत के मुताबिक बीते 26 अगस्त को कोरबा के कोर्ट परिसर में आरोपी शोहर ने उससे गाली गलौज और झगड़ा किया था। पहले मत उसको, मैं तो लिखित में बोला ही था कि मैं तो उसको तलाक दे चुका समाज में, अब मैं तो उसको खुलेआम मुस्लिम उसको तीन बार तलाक 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 तलाक, तलाक बोल के बोलता है कि अब जा तू कहीं भी, तुझको जाना हो जा, तुझको कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए अब चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो कोई भी हो, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसी दौरान उसके पति के द्वारा वो भी वहीं उपस्थित था, इनके बीच बातचीत हुई कि मैं अभी तो 498 का मामला जीत गया हूँ, अब तुमको मैं तलाक दे दूंगा। इस आशा से शिकायत दर्ज कराई थी, उसने कथन लिया गया है, आगे उसने कार्रवाई की जा रही है जांच के बाद। और अब खबर बदलते